एक एक करके जिस डोनर का नाम हम बुलाएंगे वो एक एक करके आएगा। कंफर्टेबल डोनेट करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसे नौजवानों ऐसे इदारों की हमें सराहना करनी। बॉल देना तो प्लीज अब तक हमारे पास अच्छे से ख्याल तो रुबलान का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर अपना टाइम दे इस ब्लड डोनेशन कैंप के। तो ये हमारा जो था SMHS हॉस्पिटल के थ्रू था हमारा अलीमान यूथ फाउंडेशन के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी जो रजिस्ट्रेशन हमारी चल रही है वो अभी 119 तक पहुँच चुकी है। तो जैसा हम अभी देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो इस कैंप की तरफ हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, तो शुक्र अल्लाह का। तो अगर इसी तरीके से अवेयरनेस फैलती रही, इसी तरीके से अगर लोगों में ये बात बैठी कि इससे कितने फ़ायदे हैं, तो बेशक कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो मैक्सिमम इसी पर काम करेंगे। तो इसी इदारे से हमारा फ़िलहाल तो हम ब्लड डोनेशन कैंप्स बनाए मुनक्किद कर रहे हैं, या फिर जितने भी नीडी पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, किसी भी हॉस्पिटल में कश्मीर में कैंसर पेशेंट्स उसमें मैक्सिमम आते हैं, या फिर जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके हिसाब से, तो हम उन्हीं को हमें मैक्सिमम ब्लड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू अल ईमान यूथ J&K यहाँ पे सभापुरा में आए, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ब्लड डोनेशन कैंप। वन नीड्स टू रिमेंबर दैट एवरी डोनेशन काउंट्स एंड इट एक्ट्स एज ए चैरिटी, और जो चैरिटी है वो वही कर सकता है जिसको ये इस जो करने जो जिसको दिल में करने का जज्बा हो। तो ये ब्लड डोनेशन जो है फॉर मी एज अ डोनर इट इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस, लेकिन ये रिवर्स में मुझे बहुत से मेरे जो हेल्थ है ये बेहतर करता है, जो लिवर टॉक्सिन्स होते हैं वो इसे रिमूव होते हैं, जो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करता है, तो हमारा लिवर भी बेहतर होता है, हमारी सेहत भी बेहतर होती है, हमारे लिए ये हार्मलेस है। और जो ये ब्लड मैं डोनेट करूँगा किसी को, उसकी तकरीबन 3 की जान बच सकती है एक ब्लड डोनेशन से। और अकॉर्डिंगली मैं जो है इसका यूथ का जो है बहुत ही मशहूर हूँ, जो सभापुरा की यूथ है ये बहुत ही हसास है, जोगदर जो यूथ यहाँ पे आए अलॉन्ग विद एल्डर्स, बहुत से बड़े भी आए, सीनियर सिटीजन्स भी आए यहाँ पे अपनी बारी का लाइन में आराम से डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए वेट कर रहे हैं।